साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां हम आपको देश और दुनिया से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बार की बात है, जहां एक गांव के पास एक गहरा कुआं था और वहां तीन मेंढक खेलते खेलते गलती से गिर गए। कुआं काफी गहरा और अंधकारमय था, जहां से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तीनों मेंढक एक दूसरे की ओर देखकर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। जहां पहला मेंढक तुरंत ही हिम्मत हार गया, उसने सोचा कि यहां से बाहर निकलना असंभव है, मैं यहां हमेशा के लिए फंस गया हूं। वो कुएं के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वही दूसरा मेंढक थोड़ी देर कोशिश करता रहा। वो बार बार कूद कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार फिसल कर नीचे गिर जाता। उसने कुछ समय बाद सोचा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, शायद मैं भी कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और वो भी हार मान कर बैठ गया। जबकि तीसरा मेंढक, जो कि सबसे छोटा और सबसे कमजोर था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत और जज्बा था, उसने अपने दोस्तों को देखा और कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें कोशिश करते रहना होगा। वो बार बार कूदता, गिरता और फिर से कोशिश करता। तीसरे मेंढक ने हार नहीं मानी। उसकी ऊर्जा और हिम्मत को देखकर पहले दो मेंढकों को भी कुछ प्रेरणा मिली और उन्होंने भी फिर से कोशिश शुरू कर दी। कई बार गिरने और चोट लगने के बावजूद तीनों मेंढक एक दूसरे को हिम्मत देते रहे और प्रयास करते रहे। अंत में तीसरे मेंढक की मेहनत रंग लाई। उसने एक दिन अपनी पूरी ताकत से कूद लगाई और कुएं की दीवार पकड़ ली। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और आखिरकार कुएं के बाहर निकल आया। उसकी सफलता देखकर बाकी दो मेंढकों को भी हिम्मत मिली। उन्होंने भी कोशिश की और थोड़ी देर बाद वो भी कुएं से बाहर निकलने में सफल हो गए। तीनों मेंढकों की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को परखती हैं, और जब हम इन्हें पार कर लेते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप हमारी नई कहानियों और प्रेरणादायक वीडियो से अपडेट होते रहें। धन्यवाद।